बहुत सारी ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे लोगों का ट्रेवल मोस्टली होता रहता है, चाहे वो कनाडा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे अमेरिका। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिनमें इंटरनेशनल ट्रेवल मोस्टली चलता ही रहता है, लेकिन एक न्यू वेरिएंट कोविड का जो ओमनिक्रॉन है उसकी वजह से प्रॉब्लम्स और ना खड़ी हो, बहुत सारी कंट्रीज है जो अपनी ट्रेवल को थोड़ी देर के लिए रोक रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनिंदर पंजाबी स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल वीजा अप्रोच के ऊपर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करें, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कनाडा ने भी अपना जो ट्रेवल है वो पॉज कर दिया है। पॉज नहीं किया है, लेकिन जो अभी सेफ्टी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग अभी ट्रेवल चल रहा है, लेकिन अभी लेटेस्ट अपडेट उनकी कोई नहीं है कि वो अभी क्वारंटाइन होना पड़ेगा या नॉर्मली जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलेगी। अभी आप अकेला टेस्ट करवा सकते हो और अपना जो ट्रेवल है वो कर सकते हो। लेकिन आज बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया ने जो दिसंबर 1 से अपना ट्रेवल शुरू करना था, उन्होंने 2 वीक्स के लिए और डिले कर दिया है। अभी जो है 15 दिसंबर तक ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रेवल था, इंटरनेशनल ट्रेवल था, वो पॉज कर दिया गया है। अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई भी फ्लाइट्स वगैरह जो है वो नहीं चलेंगी, थोड़ी देर के लिए पॉज रहेंगी ताकि जो नया वेरिएंट है वो ऑस्ट्रेलिया में ना जाए और प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट ना हो। तो अभी जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे वो थोड़ा सा वेट और करें, ठीक है जी। चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे पीआर होल्डर्स हैं, या कोई घूमने जाना चाहता था, या किसी की और मीटिंग्स वगैरह थी, यहाँ पे वहाँ पे कोई बिजनेस मीटिंग थी, तो आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। दिसंबर 15 तक ऑस्ट्रेलिया ने है वो ट्रेवल एक बार रोक दिया है, तो आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसी ही और अपडेट के लिए।